नमस्कार अर्गस अपडेट फोर फिल्म को स्वागत करछु मु शक्ति प्रथम नजर पकाइबा हेडलाइंस ऊपर है। पीएम किसान निधि योजना रा सप्तम किस्ती प्रदान 9 कोटी चासिंग अकाउंट को गला 18,000 कोटी टंका। ओडिशा सह 6 राज्य रा चासिंग सह आलोचना करे प्रधानमंत्री। नुआपड़ा चासी नवीन का सह कथा हेले मोदी। सुरेश महापात्र हेले राज्य रा मुख्य शासन सचिव असित त्रिपाठी को मिलला नुआ दायित्व। पश्चिम ओडिशा विकास परिषद रा अध्यक्ष नियुक्त हेले असित। प्रदीप जेना हेले उन्नयन कमिशनर। जगत सिंहपुर जापारे अटलजी प्रतिमूर्ति उन्मोचन कले धर्मेन्द्र प्रधान। कार्यक्रम में राज्य सरकार को उपरे बरसिले केन्द्रमंत्री। केन्द्र टंका को अटकाउ राज्य चाषी 6 वर्ष 60,000 कोटी गला कुआ उठाइले प्रश्न। आज अटलजी जन्म जयंती विश्व मन पकाऊ वाजपेयी अवदान श्रद्धांजलि जनइले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अटलजी जीवनी उपरे पुस्तक उन्मोचन कले मोदी। ट्विट कर अटलजी को मन पकाइले धर्मेन्द्र प्रधान। गंजाम में पुणि कोरोना चिंता। सरकारी कर्मचारी हेडक्वार्टर्स छाड़ीबा उपरे रोक निर्देश करी तागिद कले जिलापाल। पिकनिक स्पॉट और गोपालपुर बेलाभूमि भिड़ उपरे नजर। 29 रु खोल बिरजा मंदिर एवनी विवाह किंबा मानसिक पूजा। सेपटे जनवरी 3 रु आखंडलमणि मंदिर खोल सूचना। भक्तों थर्माल स्क्रीनिंग सह सानिटाइज व्यवस्था। सुरखुरी में दर्शन पाई मॉक ड्रिल। आसंता वार्ड बारी दर्शन करेंगे पूरीवासी। दर्शन व्यवस्था समीक्षा कले केन्द्रांचल डीआईजी। सुरक्षा दायित्व में 18 प्लाटून पुलिस फोर्स। आज बड़ दिन मध्यरात्र धारावतरण कले प्रभु जीशु। राज्य में नहीं उत्सवर माहौल। कोरोना कटकणा जो फीका क्रिसमस। चासिंग का सह मोदी का आलोचना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया ओडिशा समेत 6 राज्य चासिंग का सह सीधासलख आलोचना करिसंती। अवसर में पीएम किसान योजना रे सप्तम किस्ती टंका चासिंग का अकाउंट को पठा जाइछि। 9 कोटी चासिंग का अकाउंट को पठा जाइछि 18,000 कोटी टंका। अवसर में से नुआपड़ा चासी नवीन का सह कथा होइछंती। पीएम किसान सम्मान निधि योजना रु सुविधा मिलिथिबा से कहिछंती। ए अर्थ रे बिहन कीटनाशक औषध किणिछंती चासी। सेपरी किसान क्रेडिट कार्ड रे ऋण मिलिछि। चास सह पशुपालन पाई मिलिछि आर्थिक सहायता। किसानों के जीवन में खुशी ये हम सभी की खुशी बढ़ा देती है। और आज का दिवस तो बहुत ही पावन दिवस भी है। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया है। सभी देशवासियों को आज क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है क्रिसमस का ये त्योहार विश्व में प्रेम शांति और सद्भाव का प्रसार करे। साथियों आज मोक्षदा एकादशी है। गीता जयंती है। आज ही भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी की भी जयंती है। देश के महान कर्मयोगी हमारे प्रेरणा पुरुष स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज जन्म जयंती है। उनकी स्मृति में आज देश गुड गवर्नेंस डे भी मना रहा है। साथियों अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप जीवन जीने का लगातार प्रयास किया। गीता में कहा गया है स्वय स्वय कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। यानी जो अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से करता है उसे सिद्धि मिलती है। अटल जी ने भी अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाने में समर्पित कर दिया। सुशासन को गुड गवर्नेंस को अटल जी ने
भारत के राजनीति और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनाया। गांव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। जगतसिंहपुर जापा रे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का प्रतिमूर्ति उन्मोचित होई। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही प्रतिमूर्ति उन्मोचन करिसंती। ए अवसर रे राज्य सरकार को ऊपर वर्षिसंती केंद्र मंत्री। चासी का संख्या कमाउछंती राज्य सरकार, सेपरी कालिया योजना रो टंका कुआडे गला बोली प्रश्न उठाइछंती केंद्र मंत्री। केन्द्र रो टंका को राज्य सरकार अटकाउछंती। चासी को पई 6 वर्ष रे 60,000 कोटी टंका कुआडे गला बोली प्रश्न करिसंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कौन संभावना नहीं उपकूल ओडिशा रे, कौन संभावना नहीं जगतसिंहपुर जिल्ला रे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जगतसिंहपुर जिल्ला रा पुनर्विन्यास पाई, गरीबों को घर पाई, शेल्टर सेंटर पाई, रास्ता घाट निर्माण पाई, चासर विकास पाई, मत्स्यजीवी का विकास पाई, पशुपालक मानकर विकास पाई टंकार अभाव रखाई दे नथिले। ओडिशार विकास पाई अर्थ अभाव रहिबो नै बोले प्रधानमंत्री दायित्व नैथिले। आज हैला कौन बाट मारणा हैला। एबे एबे के जने ओडिशा शासनर बड़ ऑफिसर जंगल विभाग ऑफिसर घर कोटी कोटी टंकार संपत्ति मिलूँ। बंधुगण मत कहले गोटे कथा, जनक घरे कोटी कोटी टंकार संपत्ति रखिला से घर मालिक गारु चोरी करके रखिथिला बोली ता घरे रहिला ना, से पाई गांरे चोरी पड़ी संपत्ति जनक घर मिलला दायी किए हम मालिक ना से घर चाकर किए दायी हम किए दायी हम किए दायी हम भाई मैने ओडिशा रे अजब नीति 20 वर्ष राज्य रे गोटे शासन रहिला परे धरा जाऊ कहा को अंगनवाड़ी दीदी को केते बड़ दुर्नीति हो गला देख। धरा जाऊ को किराणी को धरा जाऊ को जड़े दुईज बड़ बड़ी अफिसर को दायी किए मु ना नवा उचित मन करूनी। आज अटल जी को जन्मदिन रे ना ने भी नहीं ना ने भी नहीं ना ना लोक ओडिशा लोक से ना को ने। अन्य खबर को जवाब धल सामंत ब्रदर्स का घरे पुणी खोलताड़ कर कमिश्नरेट पुलिस। धल दुई भाई को रिमांडे आने पर आज सीडीए घर को नहीं अधिक खोलताड़ कर पुलिस। डिटेक्टर मेसीन अत्याधुनिक ज्ञानकौशल छानभिन करने सहित घर कांथताड़ी गुड़ बंधुक खोजी कमिश्नरेट पुलिस। पृथक पृथक भाव सीडीए 6 स्थित डीएस हाउस को आनी कमिश्नरेट पुलिस। गुड़ बंधुकर खोलताड़ करिछि कमिश्नरेट पुलिस। घरे रही सिक्रेट चैंबर धल सामंत ब्रदर्स को आनी स्पॉट रे अधिक छानभिन करिछि पुलिस। संपर्क में अधिक अपडेट पर कटक्रम सहित जोड़ी होती प्रतिनिधि विश्वजित दास। विश्वजित जो भाव में सीडीए 6 धल सामंत घर को आनी कमिश्नरेट पुलिस अधिक खोलताड़ करिछि, तो ये खोलताड़ कि मिलिलानी कि पुलिस हाथ में किसी लगलानी कि घरे निश्चित भाव में शक्ति देखू। गत काली पुलिस कमिश्नर पुलिस तीन दिन रिमांड आनी ब्रदर्स दुई भाई को सुशील और सुशांत धल को आज तार द्वितीय दिन। द्वितीय दिन में जो सीडीए स्थित बासभवन रही है आम से ही उपस्थित अच्छे आप देखिपे घर जो आलिशान बंगला रही दुई भाई को पृथक पृथक अणाई और पृथक पृथक भाव से पचराउचरा जेहेतु गत मस 9 तारीख में यही घर पखापाखि 8 बंदूक और पखापाखि 1055 गुड़ मिलता और कहीपर से आधार से रिमांड
अणा जाता है और रिमांडे चौदार थाना पुलिस आनी रिमांड पर आज घर को आनी घरे पृथक पृथक भाव में पचराउचा कौ कौ स्थान आउ कौटी सिक्रेट चैंबर अच्छी से नहीं तदंत कर पचराउचा कर मेटाल डिटेक्टर टू आरंभ कर अत्याधुनिक जो कौशल अच्छी ज्ञानकौशल को पुलिस अप्लाई कर आउ क्यों लुचे रखिंट कि आउ जो सिक्रेट चैंबर क्योंटी अच्छी से नहीं पचराउचा कर निश्चित भाव में जदि कह जे बड़ भाई रोते बलांगीर और सान भाई बालेश्वर रोते दुई जन को काली रिमांड में अणा और आज द्वित दिन में खोलताड़ कर जांच आउ अधिक परिमाण में बंदूक गुड़ मिली जहाँ आशा आशंका करता पचराउचा कर गोटे बड़ कथ हो जो डी बदस जेल थी घर भितर एत परिमाण बंदूक बाहर नहीं कि गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होता है और सी कि अपरेट करते गुड़ बंदूक कारबार करते जहाँ कहला जो चौदार अंचल जे प्रकाश बेहरा था सी जो धरा है अन्य जन ना कही सरोज सरोज नाम कही सरोज साहू जी रही है ना कही धरवापर एटी पुलिस पहुंची और से ही घर राति पाखापाखी आठटी बंदूक हजार पंचावन गुड़ी एटू बाहरी पुलिस रिमांड नबी रिमांड में आनी खोलताड़ चली गोटे बड़ कथ हो जो आउ क्यों बंदूक थपे कि गुड़ थपे से नहीं पुलिस आशंका करुला आउ कौ कौटी सेक्रेट चैंबर अच्छी जेहेतु ये घर अनेक अंडरग्राउंड अच्छी सिलिंग रही से सब मेटाल डिटेक्टर टू आरंभ कर विभिन्न ज्ञानकौशल से गुड़क जांच कर सिक्रेट चैंबर क्योंटी अच्छी से गुड़क पृथक पृथक भाव दुई भाई को पचराउचरा कर राति में पुलिस इंटरोगेशन कर विभिन्न तथ्य पाई निश्चित भाव में कहीपर आउ क्यों संपुक्त अच्छा बंधु केवे कारबार होता है बंधु आउ क्यों कौन अच्छी ए सब नहीं तथ्य जोगाड़ करुँचपर रिमांड आनी तीन दिन भितर अनेक तथ्य हासिल कर पुलिस आशा रखी शक्ति तबे विश्वजीत एवं भी पुलिस धल सामंत ब्रदर्स को धरी घर भितर खोलताड़ जारी रखी ना खोलताड़ प्रक्रिया सरला निश्चित भाव देखो जितने बड़ भाई की आनी बड़ भाई पाखापाखी जो कटक रोन से कहवा कथ कटक से गोटे घर रोन विभिन्न समय से भुवनेश्वर में रोते निश्चित भाव में बड़ भाई को पचराउचरा बड़ भाई को निया सरी चौदार थाना को नि कि सान भाई जी रही एवं सुधा से ही घर भितर एवं रखा जाकर अधिक रू अधिक समय पाखापाखी पाखापा तीन घंटा समय होगा सी तर उपस्थित अच्छा अनेक तथ्य हूँ तो दे पार थे जे धल ब्रदर्स रही निश्चित भाव में पुलिस व्यापक व्यवस्था कर बाहर पुलिस मैंने अच्छा सुरक्षा दृष्टि अनेक अधिकारी जहाँ सूचना रही आज किसी समय पर डीसी पहुँचे अतिरिक्त डीसी उपस्थित अनेक थाना अधिकारी उपस्थित अच्छा पचराउचरा कर सबू तन्न तन्न कर जांच कर डग स्क्वाड टू आरंभ कर समस्ते रही आउ क्यों से बंधुक लुचाई कि गुड़ रही से सब खोलताड़ करुच्चित भाव में कहींपर यह तीन दिन भितर अनेक तथ्य पुलिस हासिल कर आशा रखी और रिमांड का जेहतु सरुची आज अनेक तथ्य हासिल कर किसी समय डीसी पहुँचे निश्चित भाव में प्रतिक्रिया ना चाहिए कारण जिते समय जांच कर बंदूक बाहर कि आउ गुड़ बाहर कि यह सब नहीं तथ्य हूँ तो उपस्थापन करते डीसी पाक सीमा पर शक्ति धन्यवाद विश्वजीत सूचना पाई विश्वजीत दास आम प्रतिनिधि धल सामंत घर कटक सी डी एस सिक्स स्थित जो धल सामंत घर रही सेठी जगार चित्र देखाऊ अधिक सूचना दूसरे जो कि भाव में वर्तमान कमिश्नरेट पुलिस दुई भाई को पर्यायक्रमे आनी घर भितर छानभिन चलाई काले कोठी मारणास्त्र से लुचाई थी पारती तन तन कर खोलताड़ बर्तमान चली बड़ भाई को प्रथम निपर बर्तमान सान भाई को धरी घर भितर खोलताड़ चल कमिश्नरेट पुलिस दुई भाई को तीन दिनिया रिमांड में आनी कमिश्नरेट पुलिस गत काली परवर्त खबर को जीवा असुस्थ हो हस्पिटाल भर्ती होती सुपरस्टार रजनीकांत उच्च रक्तचाप जगू रजनीकांत को हैदराबाद जुबली हिल स्थित अपोलो हस्पिटाल भर्ती कर किदिन पूर्व रजनीकांत फिल्म अन्नाथेर सेट्रे कि क्रू मेम्बर कोरोना संक्रमित चिन्हट होते तेरे रजनीकांत कोविड 19 रिपोर्ट नेगेटिव आसी हस्पिटाल पक्षर कह गत 10 दिन धरी रजनीकांत हैदराबाद में निजर फिल्म सुट करते आज रक्तचापर परिवर्तन होता जहाँपर तक हस्पिटाल भर्ती कर डाक्तर एक टीम रजनीकांत को उपरे नजर रखिंट रक्तचाप सामान्य नवा जाए हस्पिटाल रखा ढेकेराणा परजंग ब्लक रेंगाली बाम केनाल उठा जलसेचन विभाग कलोनी रात्र जगुआ झुलंता मृतदेह उद्धार होती मृत जगुआ जनक
खंडाल मुंडा गाँव कृतार्थ खिलार से गत काली राति रे ड्यूटी थिले किंतु आज सकाळु तांको मृतदेह झुलंता अवस्था रे कॉलोनी बासिंदा देखिबाक पाइथिले नै सेवाने संगे संगे पुलिस को खबर देबा पारे घटनास्थल रे परजंग पुलिस पहुंची मृतदेह उद्धार करछि। एते सहित शव व्यवच्छेद पई परजंग गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को पठाइछि। तबे यहा हत्या ना आत्महत्या तहा स्पष्ट होई पारि नाही। केन्द्रापड़ा राजकनिका ब्लॉक कोइलीपुर पंचायत रे कोटिए टंकार दुर्नीति अभियोग होई छि। एनै ब्लॉक कांग्रेस पक्षर एक सांबादिक सम्मेलनी करा जाय छि। सूचना अधिकार आईन रे मिलिथिबा तथ्य आधार रे अभियोग करा जाय छि जे 38 जन मृत व्यक्ति ना रे भत्ता दिया जाउ छि एवं बाटगां खेलापड़िया निर्माण रे दुई थर बिल ओ आलोकीकरण रे दुर्नीति होइथिबा अभियोग होई छि। एतसहित टीएमसी सेंटर निर्माण रे दुर्नीति होइथिबा कांग्रेस रा पूर्वतन विधायक देवेंद्र शर्मा अभियोग गाणिबा सह विजिलेंस तदंत दावी करिछन्ते। तादुरु आमे भात हांडी रु गोटे चिपिला भली कोइलपुर पंचायत रे आरटीआई रे मागीथिलु सेत्रु जहा जणा पडुची आपन भत्ता प्राय 40 जण लोकक भितरु 30 जण लोक मृत लोकर भत्ता उठुची 9 जण लोक जमा वयस तंग आज पर्यंत हेइ नै सेमाने मध्ये भत्ता पाउछन्ते भेंडिया भत्ता बार्धक्य भत्ता ना भेंडिया भत्ता दिया आउ टीएमसी टेम्पररी मेडिकल सेंटर खोला है से व्यापक दुर्नीति मात्र चारोटी सेंटर खोली बाकी आउ 6टा सेंटर रो ना लक्ष लक्ष टा दुर्नीति करा आलोकीकरण रे गोटे लाए बल्ब जला एलईडी बल्ब इलेक्ट्रिक पोल लगाई पोल व्यवस्था ना सी 20,000 टाँग लेखा बिल कर जो माने मरी जाइछनी से माने मध्ये भत्ता पाउछन्ती अंडर एज वाला मध्ये भत्ता पाउछन्ती जो सरकार तरफ माने जो प्रत्येक गाँव में स्ट्रीट लाइट लगी 4-4 लाइट लगे कि लक्ष लक्ष टंका से माने दुर्नीति करछन्ती बनीकरण मध्ये से माने दुर्नीति करछन्ती ता बाद पंक उधार जो सरकार नियम अच्छी प्रत्येक पंचायत पोखरी की पंक उधार करने टोटाल पंक उधार करा जाए सी मध्य दुर्नीति करमर जो बनीकरण गच लगवाई सरकार निर्देश गच बिलकुल लगी ना सी मध्य दुर्नीति कर भवानीपाटना स्थित सिटी एंड जीएसटी एनफोर्समेंट विभाग पक्षर नवरंगपुर पापड़ा हांडी में चढ़ऊ कर मृगविहार निकट में गाड़ीगुड़िक जांच करुवा बेले जीएसटी फांकी जातायात कर चारिट गाड़ी को पापड़ा हांडी थाना को आनी अटक रखा जाए नवरंगपुर और पापड़ा हांडी मध्य 26 नंबर जातीय राजपथ गाड़ी जांच समय सीमेंट बोझ गोटे ट्रक कांदुल बोझ गोटे पिकअप और हीरो कंपानी मोटरसाइकल बोझ दुईट पिकअप बिल सहित किसी कागज पत्र ठीक नथिबा देखा पाई विभाग गाड़ी ड्राइवर जो दस्तावेज देखाई थिले से कागज रे लिखित सामग्री सह गाड़ी रे थिबा सामग्री गुड़िकर तालमेल नथिला। एथसहित सामग्री पहुंचाइबा लक्ष्यस्थल मध्य भूल थिबा जोगु चारिटी गाड़ी को अटक रखी विभाग तेणु संप्रक्त गाड़ी मालिकों नाँ से जीएसटी कार्यालय पक्षर नोटिस दि जाए। सरकारी नियम को न मानि ओभरलोडिंग थिबा चारिटी बाली बोझे ट्रक को जबत करिछि बासुदेवपुर तहसीलदार तहसील ऑफिस पक्षरु। आज सकाळ समय तहसीलदार ओभरलोडिंग होई जाउथबा गाड़ी को देखिबा परे पांचटी गाड़ी को अटकाइथिले सेथिरे आवश्यक परिमाणर आवश्यक ठारु अधिक परिमाणर बाली थिबा देखि गाड़ी को जबत करी तहसील कार्यालय को नेथिले बासुदेवपुर देई प्रत्येक दिन शह शह ट्रक ओभरलोडिंग होई जाउथबा साधारण विरोध करा जाउथला। ओभरलोडिंग फल रास्तार अवस्था अधिक शोचनीय हो पड़ता बेले प्रत्येक दिन दुर्घटना वृद्धि पाइबार लगी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुरेश महापात्र हेले मुख्य शासन सचिव श्री त्रिपाठी पर दायित्व ग्रहण करिसेंति। सुरेश महापात्र 2022 पर्यंत तांकर कार्यकाल रही पूर्व से उन्नयन कमिश्नर दायित्व थिले प्रदीप कुमार जेना नुआ भावरे उन्नयन कमिश्नर दायित्व ग्रहण करिसेंति। श्री त्रिपाठी को नुआ दायित्व मिली पश्चिम ओडिशा विकास परिषदर अध्यक्ष होती श्री त्रिपाठी आंचलिक परिषद पर्यटन शिल्प कृषि समेत किसी विभाग मुख्य परामर्शदाता भाव में रे असित त्रिपाठी 2019 मसीहा अगस्ट 19 तारीख में असित त्रिपाठी मुख्य शासन सचिव भाव में दायित्व ग्रहण करते
ଆଜି ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସଦୈବ ଅଟଳ ସ୍ମାରକୀରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହିତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ବାଜପେୟୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଅସୀମ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଶକୁ ବିକାଶର ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସଶକ୍ତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରାଯିବ। ସେ ରାଜନେତା ନୁହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଜଣେ ସଫଳ ରାଜନେତା, ଓଜସ୍ୱୀ ବକ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୀ କବି ଭାବରେ ଅଟଳ ବିହାରୀଙ୍କର ପରିଚୟ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଦଶମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ତିନିଥର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଥିଲେ ଶାନ୍ତିର ପୂଜାରୀ, ମାତ୍ର ସେ ଥିଲେ ଶକ୍ତିର ଆରାଧକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲାହୋରକୁ ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ଶାନ୍ତିର ସଂଯୋଗ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଖରାନ ପରମାଣୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାରତ ଯେ କିଛି କରିପାରେ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା। ଅଟଳଜୀଙ୍କ 96ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। एक नया भारत कि जिसमें एक नया विश्वास हो, जिसकी आंखों में चमक हो, एक नया उल्लास हो जहां सम्मान हर एक जाति हर एक धर्म का सब समर्पित हो, जिसे वो लक्ष्य जिसके पास हो, एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନକୁ କରିଥିଲା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମାରେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ, ସେତେବେଳେ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ସାଥୀ। ମହାବାତ୍ୟା ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଦ୍ଧାର, ରିଲିଫ୍ ଓ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଥିଲା ଅନନ୍ୟ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମାନସ ପଟଳରେ ସେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବଜ୍ର ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏମ୍ସ। ସେତେବେଳେ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଜନସଭାରେ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ସ ପାଇଁ ଅଟଳଜୀଙ୍କୁ କେହି ଦାବି କରିନଥିଲେ ବା ଲବି କରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଟଳ ସରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏମ୍ସ ମାନର ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଏମ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ତୈଳ ନିଗମର ବିଶାଳ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବି ଥିଲା ଅଟଳଜୀଙ୍କର। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଦ୍ୱୀପ ପରିକଳ୍ପନାର ସ୍ଥପତି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ। ଆଜି ବିଶୋଧନାଗାର ସହ ତୈଳ ଓ ରାସାୟନିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶାଳ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସମ୍ଭବ ହେବା ପଛରେ ରହିଛି ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଅବଦାନ। ବାଜପେୟୀ ସରକାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 1600 କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଥିଲା। ବାଜପେୟୀଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଏହି 1600 କିଲୋମିଟର ଦୁଇଗୁଣ ହୋଇ 3200 କିଲୋମିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବାଜପେୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମୀଣ ସଡ଼କ କ୍ରାନ୍ତିର ଜନକ। ସାରା ଦେଶ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସେ ଯେଉଁ କାଳଜୟୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ତାର ଲାଭ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥକୁ ସାକାର କରିବାରେ ଥିଲା ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ହରିଦାସପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ ଅଟଳଜୀଙ୍କ ମାନସପୁତ୍ର।
अटलजी थिले शांतिर पुजारी, मात्र से थिले शक्तिर आराधक। गोटिए पटे लाहोरको बस यात्रा ओ पड़ोशी राष्ट्र सह शांतिर संयोग, अपरपक्षे पोखरान परमाणु विस्फोरण माध्यमरे शांतिर सुरक्षा पाई भारत जे किछि करि परे देथिले विश्व समुदाय को दृढ़ बार्ता। अटलजी 96वें जयंती अवसर में देशवासियों सह अर्घ्य श्रद्धांजलि। भाग सिंधु में द्वार उठा है, नगपत फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय होचे बुलेटिन, वर्तमान पाई खबर क्विट रखिबा। नमस्कार।